तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कंपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 का मैथमेटिक्स में, जो कंपार्टमेंट पाए थे तो उनका पेपर कैसे आता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर पेपर कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा हम एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, कुछ सिर दिया गया, सेट 2 है, प्रश्न पत्र कोड या फिर बाकी सब दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। यहाँ पर टाइम जो है 3 आवर्स का ही होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स कराएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी है इंट्रोडक्शन पर दिया है सब बारे में कि कब कब शुरू होगा, कब कितना पढ़ना है, बाकी सब जैसे एग्ज़ाम आप दिए थे उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आगे और भी बारे में बताया गया है कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में बोलो। यहाँ पर शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहले ये जो फर्स्ट पेज है हिंदी में है, और जिसको अंग्रेजी में मान लीजिए परेशानी होता है तो ये हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। सामान्य इंटरेक्शन जैसे आप दिया गया है, जैसे ABC 4 सेक्शन दिया गया है आपका, बाकी सब क्वेश्चन कितने से कितने तक, कौन सा मार्क्स रहेंगे, किसमें कितना नंबर मिलेगा, क्या सेक्शन नंबर शुरू होता है A, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं और सभी के लिए 1 मार्क्स है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। दूसरा यहाँ पर आपका दिया गया है 7 चैप्टर में से। आते हैं यहाँ पर से देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे, पहचानते भी होंगे कि कौन सा चैप्टर का है, 2nd चैप्टर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 2 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़की होने पर प्रायिकता, यानी कि 14 चैप्टर का है। ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हम अंग्रेजी में ही देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फिर यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर 4 7, ये 7 चैप्टर का है, पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा एक्सिस एक्सिस पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 8 से। यहाँ पर दिया गया है ग्राफिकल, यहाँ पर 7 चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर 5 चैप्टर से है, तो ये आसान आसान चैप्टर से दिए गए हैं। यहाँ पर आप 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 नंबर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया गया है, इसमें पूछा है। और जिसने भी अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो कंपार्टमेंट एग्जाम आराम से क्लियर किया होगा। और इसमें तो देखिए, और जो फेल हो गया होगा ना तो उसके लिए भी है प्रावधान, सब रूल्स बनाए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में। देखिए 14 क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऐसे करते करते आपका 20 क्वेश्चंस तक तो ऐसे ही हो जाएगा, 18 तक तो हो गया, 19 आपका 19 20 जो है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, लेकिन है वही प्रारूप वही तरीका से। अब यहाँ पर आता है सेक्शन B शुरू होता है 21 से। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्यूशन करना है, इसमें टिक नहीं करना है। इसमें 21 में ए और बी दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये ऑप्शन देता है ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, जिसे और आसानी से किया जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है इसमें, और इसी को लगाना है, इसमें कोई दूसरा नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन 23 में है ए और बी दोनों दिया गया है, तो आप दोनों को देख सकते हैं। 24 में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, फिगर दिया हुआ है, जो पढ़ा होगा आराम से कर लेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। और अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी पेपर्स चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम हर तरह के पेपर को प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सेक्शन C दिया गया है, इसमें देख सकते हैं 3 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से 3 मार्क्स है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरम को हमको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। 27 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, 50 to 100 विच आर द डिविजिबल पैसेंट, 50 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, 100 10 से 200 300 के बीच में जो 4 मतलब रिमाइंडर, इसमें 4 छोड़ रहा है और 4 से डिविजिबल आना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो केयरफुली पढ़ेगा आराम से कर पाएगा। 27 ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा घुमा देता है, आपके बुक से नहीं देखकर थोड़ा सा उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है, इसलिए थोड़ा सा डीपली स्टडी जरूर करना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32, सेक्शन D आ गया, ये तो आप देख सकते हैं 14, इतना आसान चैप्टर है 14। 15 चैप्टर से जो आपका प्रायोरिटी है, और 14 से आपका दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें का क्वेश्चन है और आसानी से कर पाएंगे सब। ये तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता रहता है, ये आप देख सकते हैं ये, और ये 32 या फिर 32 का B, A B में से कोई एक कर सकते हैं।
और 34 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका हाइट एडमिस्टेंस से है, 9 चैप्टर का है, जो भी पढ़ा होगा ध्यान से कर पाएगा। यहाँ देखिए 35 का ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये भी दोनों का दोनों। अब दोनों में से कोई एक करना था, ये करो चाहिए ये करो, वैसे इससे ज़्यादा आसान यही है, दिखता ही है, लेकिन ये इतना बड़ा दिखता है, ये भी आसान है अगर आपको वैल्यूज पता है तो। सेक्शन ई, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, तो इसको केयरफुली आप देख लीजिए किस तरह से है, और में दिया हुआ है, यानी कि ये दिया है और भी दिया हुआ है, और मतलब कोई और भी क्वेश्चन होगा इसकी जगह पर, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और में हो गया ये वाला, फिर केस स्टडी सेकेंड, इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया, इसमें भी और दे दिया, तो ये आपका हो गया। केस स्टडी थ्री, आपका ये क्वेश्चन दिया, उसमें और दे दिया। अगर आपको और किसको दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीसरा के लिए, ये नहीं कि वन टू दोनों हो गए, और मतलब क्या, ये ए और बी, तीसरा का ए और बी है, ए और बी करो, ए चाहे करो चाहे बी करो, ये नहीं कि सबको करना, इस तरह से इसमें भी है, जैसे और किसके लिए, सिर्फ यहाँ पर तीसरा के लिए, ठीक है। उसी तरह आपका इसमें भी स्टडी जो फर्स्ट वाला है, दैट्स टाइम थ्री क्वेश्चन के लिए ही बस, क्योंकि वो 2 नंबर का आ रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद ख़त्म, एंड हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो, इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह से आपको अच्छा लगता है पेपर्स देखना जानना, तो हमें कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।